नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो को थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अगर टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री, मतलब कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है तो उसको कौन से देश से लिया गया है। तो देखिए, ये लिया गया आपका यूएसएसआर, दैट मींस रशिया से लिया गया है। उसका पुराना नाम क्या था? यूएसएसआर। चलिए अगला क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर विच आर्टिकल, बताना है आपको जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन होता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 50 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पोर्ट्स जो है वो भारतीय संविधान के कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेसिडोरी लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए, स्पोर्ट्स की बात करें ना तो आपका ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केरला एंड लक्षद्वीप हाईकोर्ट इज सिचुएटेड इन, देखिए ये दोनों हाईकोर्ट जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, तो आपको बताना है केरला हाईकोर्ट और लक्षद्वीप हाईकोर्ट कौन से जगह पे हैं, थंजावुर, बिलासपुर, कोची या फिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोची में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर नेशनल एंथम जनगण मन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है जिसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है, 52 सेकेंड, ठीक है, और इसको किसने गाया है, तो इसको गाया है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको बताना है कि कौन से लैंग्वेज से इसको अडॉप्ट किया गया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, बंगाली लैंग्वेज से इसको अडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बताओ कि कितने मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में। तो देखिए, जीएसटी काउंसिल में आपके टोटल 33 मेंबर्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो आप याद रखना कि यहाँ पे 33 कर लो आप, 33 मेंबर्स हैं टोटल जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वे किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए, वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं तो वे किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए, वे अपॉइंट किए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर्स के द्वारा वे अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच फंडामेंटल राइट्स इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर फॉरेनर सिटीजन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो फॉरेनर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड नहीं है। तो देखिए, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसी विदेशी सिटीजन्स के लिए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विथ इन, देखिए जो प्रेसिडेंट को वैकेंसी मिलती है ऑफिस में तो उस वैकेंसी को उनको कितने दिन के अंदर फिल करके देना होता है। तो देखिए, उनको जो वैकेंसी मिलती है तो उनको 6 मंथ के अंदर फिल करके देना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्टी प्रोवाइड 2 प्राइम मिनिस्टर इन 2 ईयर्स टाइम, कौन सा पार्टी जो है प्राइम मिनिस्टर को 2 साल में 2 बार प्राइम मिनिस्टर अलग अलग बनाए हैं, कौन सा पार्टी है ये। तो देखिए, ये पार्टी है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जनता दल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति स्थल जो कि एक मेमोरियल प्लेस है तो आपको बताना है कौन से फेमस पर्सनालिटी की ये मेमोरियल प्लेस है। तो देखिए, ये है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड, एंटी डिफेक्शन बिल जब पास हुआ तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो देखिए उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस टेन्योर। देखिए कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक भी दिन टेन्योर मतलब कि पार्लियामेंट में एक भी दिन अपना टेन्योर फेस ही नहीं किया, सोच सकते हो आप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह जो हैं वो एक भी दिन पार्लियामेंट को फेस नहीं किए अपने टेन्योर में। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। यूनियन कैबिनेट जो है वो पर्सनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा स्पीकर के लिए, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। तो देखिए ये जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। भारत के पहले विदेश मंत्री, अभी तो कौन है भारत के विदेश मंत्री, वो हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर, और अभी आपको बताना है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भारत के। तो देखिए ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ का संबंध भारत के कौन से अनुसूची से है। तो देखिए इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी 10th शेड्यूल से, 10वीं अनुसूची से। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12th शेड्यूल, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड। पहला मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ। तो देखिए ये हुआ आपका 9th of December 1946, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।